हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आ चुका है जिसके तहत कि आप व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर पाएंगे, ऐप लॉक की तरह आप उसको यूज़ कर पाएंगे, व्हाट्सएप पे अपने चैट को सिक्योर कर पाएंगे। तो उसको इनेबल कैसे करेंगे और कैसे आपको दिखेगा इंटरप्रिंट, उसके लिए दोस्तों आगे चलते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आप कैसे उसको इनेबल कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कैसे उसको इनेबल करेंगे और क्या प्रोसेस है पूरे बारी जानकारी दूंगा मैं आपको। दोस्तों सबसे पहले आपके पास व्हाट्सएप का बीटा वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास बीटा नहीं है तो ये आपको अपडेट अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके पास बीटा वर्जन है तो वो अपडेटेड होना चाहिए। उसके लिए चलते हैं आइए दोस्तों प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ सर्च करते हैं व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे आप देखेंगे सामने आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ है यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप फीचर इंप्रूव। मेरा बीटा है और लेटेस्ट अपडेटेड है, ये होना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, बीटा वर्जन भी और अपडेटेड भी है, तो भी आपके पास नहीं दिख रहा तो उसके बारे में भी आपको सोल्यूशन दूंगा। तो आइए पहले ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने का जो मेरा डिफ़ॉल्ट पिन है वो कभी कभार मांग लेता है, ये डाल दिया, सॉरी ये हो चुका है। मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ। अब व्हाट्सएप का बीटा वर्जन है मेरा 2.19.221, ये इसी वर्जन पे इनेबल है। अकाउंट में जाते हैं, प्राइवेसी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे ही ऑप्शन आ चुका है फिंगरप्रिंट ब्लॉक, ये अभी डिसेबल्ड है, मैंने उसको इनेबल नहीं करा है। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों के उसमें शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने व्हाट्सएप की ऐप्स पहले तो ऐप को ऐप इन्फो में जाके आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल मत करना। आप ऐप इन्फो में जाके डेटा को क्लियर कर लीजिएगा, पहले बैकअप ले लेना अपनी चैटिंग की, चैट्स की बैकअप लेने के बाद आप यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर देना। देन ये पूरा नया जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसा इंटरफेस आ जाएगा, आप दोबारा से उसको लॉगिन करिएगा ओटीपी डाल के, तो ये आपका वर्किंग पे आ जाएगा और आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन शो करेगा। क्योंकि मेरा अभी इस साथ नहीं हो रहा था, मैंने लेटेस्ट अभी करा, उसकी वीडियो नहीं बना पाया, उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेटिंग पे जाने के बाद फिर आप जाएंगे सेटिंग में, अकाउंट में, प्राइवेसी में, देन फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिया है, आप उसको यहाँ से इनेबल का ऑप्शन देंगे और अपनी फिंगर को कंफर्म करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट आफ्टर 30 मिनट, जो आप करना चाहें। लाइक मैंने इमीडिएटली पे कर दिया और बैक आ गया। मैं व्हाट्सएप को खोलूँगा तो इमीडिएटली लॉक मांग रहा है, और जैसे ही मेरी फिंगर टच होगी तो ये अनलॉक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये। फिर मैं बाहर आया कुछ चेक करा तो ये वर्किंग अच्छी कर रहा है, ऐप लॉक से बहुत अच्छा फीचर निकाला गया है ये व्हाट्सएप की तरफ से। आप चाहें तो इसको मिनट्स को चेंज भी कर सकते हैं, बाद में हटा भी सकते हैं अगर आपको नहीं लगाना हो फिंगरप्रिंट लॉक में जाके 1 मिनट का, 30 मिनट का, या फिर उसको ऑफ भी कर सकते हैं। लाइक मैंने 1 मिनट का लगा दिया। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।